हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट। आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण, तो जिसमें हमने देखा था जो नाथसी थे। अब सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि नाथसी कौन होते हैं। तो देखिए, नाथसी जो है ना, जो एक तरीके से हिटलर था, जो हिटलर के विचारों का समर्थन करते थे, तो उन्हें नाथसी कहा जाता था। तो उनका विश्व को देखने का क्या दृष्टिकोण था? तो उन्होंने, हमने देखा था जो यहूदी थे, उन्होंने उनको किसी न किसी तरीके से मार गिराया था और बड़ी संख्या में जर्मन साम्राज्य में जर्मन लोगों को ही रहने का अधिकार एक तरीके से उन्होंने ठान लिया था। तो किस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, मौत का सिलसिला, तो पहला चरण बहिष्कार। बहिष्कार किसका? यहूदियों का। तो 1933 से लेकर 1939 तक ये सिलसिला जो था चला बहिष्कार का। तो उनका क्या विचार था? तो देखिए, यहूदियों के लिए जर्मन साम्राज्य के लोगों का ये विचार था कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। तो पहला ये विचार था। तो देखिए, सबसे पहले जर्मन में, यानी कि जर्मनी में सितंबर 1935 को एक अधिकार जो है वो पारित किया गया। उसका क्या नाम था? न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, जिसके तहत मतलब क्या हुआ था, यानी कि जिसके तहत यहूदियों का बहिष्कार किया जा सकता था। तो जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा इस कानून के तहत। यहूदी और जर्मन के बीच विवाह पर पाबंदी थी और यहूदी और जर्मनों के बीच विवाहतर संबंध को अपराध घोषित कर दिया गया था और यहूदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पहनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये सभी जो तमाम चीज़ें थी यहूदियों के लिए कर दी गई थी इस कानून के तहत। तो इस कानून का नाम था न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार। ऑलराइट, तो देखिए, अन्य कानूनी उपाय क्या किए गए यहूदियों का बहिष्कार करने के लिए? यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और सरकारी सेवाओं से उनको निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री कर दी गई। तो यानी कि पूर्ण तरीके से जर्मन साम्राज्य से यहूदियों का हर एक तरीके से बहिष्कार किया गया और पूरी तरीके से मतलब उनका शोषण किया गया इस कानून के तहत। तो देखिए, इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया और लूट लिया गया और उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर यानी कि साइनागोगियस जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। तो यहूदियों के प्रार्थना घरों को क्या कहते थे? साइनागोगियस। तो इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से भी याद किया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिल जा रहा है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार पूछ लिया जा सकता है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास किससे संबंधित है, तो इस घटना से संबंधित है। ऑलराइट, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो अब चित्र 16 में देखिए, तो जो ये पार्क में आप एक देख पा रहे होंगे बेंच, तो ये केवल आर्यों के लिए थी, यानी कि जो जर्मनी लोग थे, जो जर्मन थे, केवल उन लोगों के लिए थी, ना कि यहूदियों के लिए। तो अब दूसरा चरण देखते हैं कि दड़बड़ाबंदी, तो यानी कि गेटोइशेशन। तो ये कब तक चला? 1940 से लेकर 1944 तक। अब देखिए, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। तो पहले में तो कह दिया कि तुम्हें हमारे बीच नागरिक की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है और हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है, यानी कि पूर्ण तरीके से ये बहिष्कार जो है अब किया गया। पहला चरण तो था कानूनन तरीके से बहिष्कार किया गया। तो देखिए, सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे और उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया और जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में पूर्वी क्षेत्र में लॉर्ड्स एन वारसा जैसी घेटों बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके में थे और घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया गया।
कुछ ही समय में घेटो बस्तियों की वचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारी का साम्राज्य जो था वो व्याप्त हो गया, यानी कि धीरे धीरे एक भुखमरी की वजह से बीमारी का जो साम्राज्य था वो बन गया। तो उससे हुआ क्या कि भारी संख्या में जो यहूदी थे उनकी मौत हो गई। ऑलराइट, अब तीसरा चरण था सर्वनाश। तो 1941 के बाद क्या हुआ? तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। तो अब ये जो विचार थे वो हिटलर के समर्थकों के थे, यानी कि नाथसियों के विचार थे। तो देखिए, तो समूचे यूरोप में यहूदी मकान, यातना गृह और गेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ी में भरकर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। तो पोलैंड और अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेलजैक, ऑस्विक, सेबीबोर, त्रेवलिंका, चेल्बनो तथा मायदानेक और अन्य गैसें चैम्बरों में झोंक दिया जाता था, और औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाता था, यानी कि एक तरीके से उनको पलक झपकते ही जला दिया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं कि एक यातनाघर किस तरीके का होता था, और ये एक यातनाघर एक कैमरा मौत ये मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता था। और अंतिम समाधान के पहले कैदियों के छीने गए जूते, यानी कि जब उन्हें अंतिम समाधान यानी कि मौत के घाट उतारा जाता था तो उनके जूते जो थे वो छीन लिए जाते थे। तो आप ये देख ही सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्रूरता जो थी वो हिटलर के विचारों और संपूर्ण जर्मन साम्राज्य में उसने मौत का पूरा तांडव किया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे उन लोगों में एक तरीके से हिंसा जैसे बदलाव जो थे वो दिखाए। तो अब बात करते हैं नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। तो देखिए, नाथसी तो एक जैसे हम लोगों को पता ही है कि यानी कि हिटलर का समर्थन करने वाले लोगों को नाथसी कहते हैं, यानी कि नाथसी जर्मन में युवाओं की स्थिति क्या थी? अब देखिए, तो युवाओं में हिटलर के दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी, और उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाथसी समाज की स्थापना करने के लिए बच्चों को नाथसी विचारधारा की गुट्टी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। तो नाथसीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, अब इस बात पर हम थोड़ा गौर करते हैं। तो तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया, और बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। और जर्मन में यहूदी बच्चे एक साथ न बैठे तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। तो बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदी जिप्सियों के बच्चों को, विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। तो यानी कि केवल जो हिटलर के विचार थे, कि हिटलर के क्या विचार थे, जो यहूदी थे उनको कोई अधिकार नहीं था जर्मन में रहने का, जो अपाइज थे, जो कुछ काम नहीं कर सकते थे, जो शारीरिक रूप से एक तरीके से काम बद्ध थे, यानी कि कोई भी काम नहीं कर सकते थे सही तरीके से, या मेंटली रूप से बेकार थे, तो उन लोगों को जो है मार दिया जाता था। यानी कि केवल जर्मनी में उन लोगों को रहने का अधिकार था जो शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर हो और जो शासन करने में सक्षम हो। तो ऐसे लोगों को एक तरीके से जर्मनी में रहने का अधिकार था। तो देखिए, तो अच्छे जर्मन बच्चों का नाथसी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, और यह विचारात्मक प्रशिक्षण एक लंबी प्रक्रिया थी, और स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। तो नस्ल के बारे में प्रचारित नाथसी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की गई, और बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने। और यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें, और खेल कूद के जरिए भी बच्चों के में हिंसा व आक्रामक की भावना पैदा कर दी जाती थी। तो हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो जर्मन बच्चों को युवाओं और राष्ट्रीय समाजवाद की भावनाओं से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठन को सौंपी गई। तो 10 साल की उम्र के बच्चों को यंग फॉक में दाखिल किया जाता था। तो यंग फॉक क्या था? एक युवा संगठन था। और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाथसियों के युवा संगठन हिटलर यूथ्स की सदस्यता लेनी पड़ती थी, यानी कि उनसे नाथसी बनना होता था। तो इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सी व अन्य अवंछितों से घृणा का सबक सीखते थे।
तो गहन विचारात्मक व शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे और उसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाथसी संगठन के सदस्य लेनी पड़ती थी। तो इस तरीके से जो यूथ्स थे वहाँ के, तो यूथ्स की ज़िंदगी ये थी, यानी कि उन लोगों को नाथसी विचारधारा जो थी वो पढ़ाई जाती थी, उन्हें सिखाया जाता था कि क्या चीज़ें, मतलब हिंसा अच्छी होती है, ये वो अच्छा होता है, मतलब दूसरों से घृणा करना, यानी कि हिटलर की तरह क्रूर उनको बनाया जाता था। तो देखिए, तो चित्र 23 में आप देख सकते हैं यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाने गया एक चित्र। तो अनसर्ट हिमावर न्यूरेमबर्ग डेयर सुटर्स 1938 का ये चित्र है। तो डेयर ग्रिप्ट पिल्स यानी कि विषैला मशरूम में, सॉरी मिसेला मशरूम से प्रसाद चित्र के शिक्षक इस प्रकार है। तो यहूदी नक्सीरी तक मुड़ी हुई है, अंग्रेजी और जैसी दिखाई देती है। तो देखिए, तो इस तरीके से ये दिखा रहे हैं। अब चित्र 24 में देखते हैं, जो बाकी बच्चे की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विचार विद्यार्थियों के स्कूल से निकाला जा रहा है। तो देखिए, तो यहूदी जो है उनको निकाला जा रहा है एक तरीके से। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो हिटलर के विचार केवल यही थे कि जर्मन में लोग जो है वो उसकी तरह बुद्धि वाले यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर लोग ही जो है वो जर्मनी में रहे, अन्यथा और भी कोई लोग जो है वो ना रहे। तो यंग फोक का मतलब होता है 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाथसी वक्त संगठन, तो उसे यंग फोक कहा गया। ऑलराइट, तो ये स्रोत आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आप ये जानते ही हैं। तो आप इसका पॉज करके आप इसको पढ़ेंगे और जो आप इससे समझे हैं या इससे क्या पॉइंट बन सकता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, चित्र 27 में मौत व कारखाने से आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस में मार दिया गया। तो देखिए, तो इन लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया जाता था। तो वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। तो देखिए, आप देख सकते होंगे और ये आपको पता ही है ये शख्स कौन है, ये है हिटलर। तो चित्र 26 में देखिए, तो कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु और अपनी माँ के साथ। तो देखिए, तो नाथसी यूथ लीग का गठन जो है वो 1922 में हुआ था और 4 साल के बाद हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। तो उसे क्या दे दिया गया नाम, नया नाम क्या दिया था, हिटलर यूथ। तो 1933 तक आते आते संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे और युवा आंदोलन में नाथसीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठन को पहले भंग कर दिया गया और बाद में इन पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया। तो बात करते हैं मातृत्व की नाथसी सोच। तो नाथसी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें जो है वो मर्दों के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज एक नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है और नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने पर घर संभालने और बच्चों को नाथसी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। तो आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्यानवाहक वही है। तो एक तरीके से उन लोगों को यहूदियों से कोई विवाह करने की जो है वो एक तरीके से उस चीज़ को तो वो बेकार मानते ही थे, यानी कि यहूदियों से विवाह नहीं कर सकती थी जो एक तरीके से जर्मन की लड़कियां होती थी, जो आर्य लड़कियां होती थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाथसी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। तो और जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित देखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं की अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाती थी और दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट में उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने बहुत खूब सारे
बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतज़ाम किया था जिस तरह से तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। चार बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, छह बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और आठ से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था और निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सी औरतों को गंजा करके, मुंह पर काली पोत कर और उन्हें गले में तख्ता लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उन्हें गले में लटके तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, सॉरी, इस आपराधिक कृत्य के लिए मुझे सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उसमें तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार की छीन लिए गए। तो देखिए तो किस तरीके से कितना ज़्यादा एक क्रूर व्यवहार जो था औरतों के साथ किया जाता था अगर वो ये छोटी सी गलती कर देती थी, यानी कि उस गलती को भी बहुत ज़्यादा बड़ी जो था वो माना जाता था। यानी कि कोई भी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अधिकार नहीं थे। तो प्रचार की कला देखिए, तो नाथसी शासन में भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया जाता था और उनका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जाता था। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे न केवल भारमक बल्कि दिल दहला देने वाले थे। तो नाथसी ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और सामूहिक हत्या को विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यहूदी के संदर्भ में यूथेनेजिया विकलांगों के लिए चैन और संक्रमक मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था और इन्वेंक्यूशंस यानी कि खाली कराने का आश्रय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों में क्या कहा जाता था? तो देखिए तो उन्हें संक्रमक मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे लगे होते थे। तो शासन के समर्थन के लिए हासिल करने के लिए नाथसी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया और नाथसी विचारकों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया और पोस्टर में जर्मनी के लिए दुश्मन की रटी रटाई छवियां जो थी वो दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें अपमानित किया जाता था। तो इस तरीके के जो कृत्य थे वो जर्मन साम्राज्य में चल रहे थे। यानी कि जोर शोर से केवल अगर एक ही बात देखें तो यहूदियों का एक तरीके से बहिष्कार किया जाता था और जो जर्मन लोग थे, जो आर्य लोग थे, केवल उन्हें अच्छा बताया जाता था और उन्हें नाथसी विचारधाराओं में लिप्त किया जाता था जिससे कि वो शासन कर सकें और हिटलर की तरह क्रूर बन सकें। तो एक शैतान जैसा व्यवहार जो था वो लोगों के साथ किया जाता था। तो समाजवादी और उदारवादियों को कमज़ोर और भयपृष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था और उनमें विदेश एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था और न कि एटनॉरल ज्यू यानी कि अक्षय यहूदियों की इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। तो परम्पराप्रिय यहूदियों को खास तरह से छवियों में पेश किया जाता था और उनकी दाढ़ी बढ़ाए हुए काफ्तान यानी कि चोगा पहना दिया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदी और बाकी जर्मनी के बीच कोई फर्क नहीं था और असंभव, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुलते मिलते थे। उन्हें कैचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरी जीवों से ही की जाती थी और नाथसी ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्सों और नफरतों को अवांछित पर क्रोध कर दिया जाता था और इसी अभियान से नाथसीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ और नाथसियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए और पूरे समाजों को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाथसी ही हल कर सकते हैं, यानी कि नाजी ही हल कर सकते हैं। तो देखिए ये चित्र देख सकते हैं आप, चित्र 28 जिसमें दिखाया गया है कि यहूदी पर हमला करता एक नाथसी पोस्टर। तो पैसा ही यहूदी की भगवान है, पैसे के लिए भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उस इन नोटों से बोरे पर न बैठ जाए, तब तक कि वह पैसे का राजा न हो जाए। तो एक तरीके से इस तरीके के लोगों के अंदर विचारों को रखा जाता था, यानी कि
यहूदियों को एक तरीके से पूरे तरीके से परेशान किया जाता था, अगर आपने इसमें गौर किया हो। तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ आया होगा कि जो हिटलर था वो कितना ज़्यादा क्रूर था और उसका क्या विचार थे। यानी कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसके जो विचार थे यहूदियों के प्रति, यानी कि दूसरे लोगों के प्रति, तो कितने ज़्यादा गलत विचार थे। केवल वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता था और अपनी जो जर्मन साम्राज्य था, यानी कि जो आर्य रहते थे जर्मन साम्राज्य में, केवल उनको ही वो श्रेष्ठ मानता था, अन्यथा और किसी को भी वो श्रेष्ठ नहीं मानता था। तो केवल ये हमने यही देखा। और मैं आपको एक टिप्स भी देना चाहता हूँ मेंस के लिए। देखिए, जब आप एक मेंस को, यानी कि मेंस की राइटिंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप उसके बारे में लिखें, यानी कि उसके बारे में एक तरीके से इंट्रोड्यूस करें कि आप इसके बारे में बताना क्या चाहते हैं। देन उसके बाद आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जैसा कि इसमें बताया गया। देखो, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। देखिए, तो जैसे इसमें बताया गया कि पहला चरण, तो पहले चरण में इसमें बताया गया कि ये कानून के तहत ये जो पॉइंट थे, इन पॉइंटों के तहत बता दिया गया कि इन कानूनों के तहत ये पॉइंट रखे गए कि भाई ये जो था यहूदियों के बीच अंतर ये माना जाता था, यानी कि इतने ज़्यादा भेदभाव जो था यहूदियों के साथ किया जाता था। तो बस इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, यानी कि आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं कल इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ़िलहाल के लिए हैव ए गुड डे। जय हिंद।